अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में घंटे का बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक सॉल्यूशंस में। अगर आप अपने कंप्यूटर के लिए एक अच्छा वीपीएन ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको दो वीपीएन के बारे में बताने वाला हूँ, जिनमें से कि एक तो होने वाला है हमारे क्रोम का एक्सटेंशन और दूसरा हमारे लैपटॉप के लिए एप्लीकेशन होने वाली है। ये दोनों ही वीपीएन बहुत अच्छे हैं, दोनों ही वीपीएन आपको बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी देते हैं। दोस्तों, वीपीएन के बारे में आपको सब कुछ पता होगा तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हम जिस कंट्री का लगाएंगे, हम किसी वेबसाइट को अगर एक्सेस करेंगे तो वो वेबसाइट हमें उसी कंट्री में देख पाएगी, यानी कि उसको हमारा आईपी एड्रेस उसी कंट्री का मिलेगा, यानी कि हमारा आईपी एड्रेस वीपीएन चेंज कर देता है। वीपीएन बहुत चीज़ों में काम आता है, जैसे कि ऐसी वेबसाइट जो है जो हमारी इंडिया में नहीं चल रही है, बाहर चल रही है, तो वहाँ पर हम उस कंट्री का वीपीएन लगा के उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे गेम्स होते हैं, बहुत सारी मूवीज होती हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हम वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मैं आपको दो वीपीएन के बारे में बताने वाला हूँ, जिनमें से कि एक तो क्रोम का एक्सटेंशन होगा जो कि अगर आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करने वाले हैं तो आपके लिए काम आएगा, और दूसरा हमारे कंप्यूटर की एप्लीकेशन होगी जिसके वो इसलिए है बता रहा हूँ आपको ताकि आप कोई गेम्स वगैरह खेलें तो आपके काम आ सके। दोनों वीपीएन फ्री है और बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर देख लीजिए कि वो दो कौन से वीपीएन हैं जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। एक तो पहला ये है प्रोटॉन वीपीएन, देख सकते हैं आप मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन पर ही है प्रोटॉन वीपीएन। ये बहुत ही फास्ट है, जैसे कि देखिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट डबल क्लिक करते ही ये स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हमें बहुत सारी कंट्री मिल जाती है, आपको इधर दिख रही होगा बुल्गारिया, कनाडा और ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बहुत सारी कंट्री है। जैसे कि मैं आपको किसी भी एक कंट्री से कनेक्ट करके दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट करके। जैसे ही मैं कनेक्ट पर क्लिक करूँगा थोड़ा ही समय ये लेगा और ये ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट हो जाएगा। देखिए बस अभी कनेक्ट होने ही वाला है, उससे पहले देखिए कि मेरी आईपी एड्रेस क्या है, सोनीपत हरियाणा यानी कि इंडिया में दिखा रहा है। अभी ये कनेक्टेड हो चुका है ऑस्ट्रेलिया में। अभी मैं पेज को करता हूँ रिफ्रेश, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया हमारा वीपीएन, ऑस्ट्रेलिया हमारी कंट्री दिखा रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सही इसने काम किया है। ठीक है, अभी जैसे ही मैं इसको डिस्कनेक्ट करूँगा ऑस्ट्रेलिया से, मैंने किया इसको डिस्कनेक्ट और इसको पेज को करता हूँ वापस रिफ्रेश, ये देखिए वापस हम इंडिया में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इस वीपीएन ने कितने अच्छे से परफेक्ट काम किया है। ठीक है, पहला वीपीएन तो ये है जो मैं इस्तेमाल में लेता हूँ, और दूसरा वीपीएन जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जो मैंने कि गूगल क्रोम के अंदर इंस्टॉल किया हुआ, ये क्रोम का एक्सटेंशन है। स्टार्ट कर लेता हूँ मैं अपने ब्राउज़र को। इस वीपीएन का नाम है यू वीपीएन, ये आपको गूगल क्रोम एक्सटेंशन के अंदर मिल जाएगा, जैसे कि गूगल क्रोम वेब स्टोर के अंदर आपको ये मिल जाएगा। जैसे ही आप गूगल क्रोम वेब स्टोर ओपन करेंगे आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पे सर्च बार में वीपीएन टाइप करना है। इस वीपीएन की रेटिंग बहुत ज़्यादा है इसलिए सबसे ऊपर यही आएगा। जैसे ही हम वीपीएन टाइप करते हैं, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे ऊपर यही वीपीएन आएगा, ये देखिए यही वाला है यू वीपीएन। अभी इसको भी मैं चला के दिखा देता हूँ कि किस तरह से काम करता है। आप नीचे देख सकते हैं कि मेरी इंटरनेट की स्पीड अभी ठीक ठाक आ रही है। अगर आप इस तरह से इंटरनेट स्पीड मीटर अगर आप टास्क बार में लगाना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं वीपीएन जैसे कि रीसेंट लोकेशन ये फ्रांस दिखा रहा है। मैं जैसे इसके ऊपर इन्फिनिटी लूप जो दिखा रहा है इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक, ये कनेक्टेड लोकेशन है, इसने फ्रांस दिखा दिया है। अब मैं व्हाट इज़ माय आईपी एड्रेस करके सर्च करता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये आईपी इंडिया की नहीं है, इसने बाहर की आईपी दिखा दिया है। ठीक है, तो दोस्तों यही थे वो दो वीपीएन जो कि बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि विंडोज 10 में डाटा कंजप्शन को किस तरह से कम कर सकते हैं, वो वाली वीडियो भी आप आई बटन में देख सकते हैं। और जो ये इंटरनेट स्पीड मीटर जो टास्क बार में दिखा रहा है इसको किस तरह से ऐड किया जाता है, वो वाली वीडियो भी आप ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में।